लगता है बहुत ही कोई जरूरी बात है। अच्छा बताओ क्या बात है? जिमल, मैं तुमसे ये कह रहा जिमल, तुम यहाँ पर हो? सर इंतजार कब से तुम्हें बुला रहे हैं। अच्छा सबा ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। क्या इतना अच्छा रिश्ता? सबा का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सबा का दिमाग वाकई खराब हो गया है। उसके दुखते रग है जिमल, बस अम्मी आप उसके दुखते रग को सलाती रहे। और हाँ आप दानिश को मक्खन मस्के लगाती रहे, उसका बहुत ख्याल रखे, उसे बिल्कुल भी गुस्से में ना लाए, उसका बहुत ख्याल रखे। खालत साहब खाना खाइए, ठंडा हो जाएगा। किन सोचों में पड़े हैं? सोच रहा हूं कि कब तक आप उसे अपने इस ममता के ड्रामे में उलझाए रखें। अरे मैं कोई ड्रामा थोड़ी कर रही हूं। ड्रामा ही तो है। ठीक है अगर ड्रामा है तो ड्रामा ही समझे। आंस लगा के बैठ गया वो। मैंने भी हाँ कह दिया और तुमने भी कि जिमल के जो एग्जाम खत्म होंगे तो हम रिश्ता ले रहे जाएंगे। हाँ तो जाएंगे ना रिश्ता लेके। कौन सा माजदा बहन या अलीम हमारे जाते ही हाँ कर देंगे? ओहो खालत साहब आपको समझाना ना भैंस के आगे बीन बजाना है। खाना खाइए ठंडा हो रहा है। लेकिन अगर तुम्हारी ये तमाम तदबीरें उलट हो गई तो? अरे भाई क्यों उलट होंगे? खालत साहब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैं और नायला ना ये खेल बहुत मोहतात होके खेल रहे हैं। कैसी बातें कर रही हो रात देखो? कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी नेगेटिव। अरे कुछ भी नहीं, मैं तो ये सोच रही हूं कि आपकी परेशानी को कैसे खत्म करूं। वैसे भी देखे ना खालत साहब आप परेशान होंगे तो जाहिर है मैं भी परेशान होंगी। सच कहूं ना खालत साहब, मुझे तो नायला ने समझाया था कि दानिश को परेशान बिल्कुल भी नहीं करना, उसे अपना काम करने दें। आप फिक्र ना करें, नायला जैसे भी होगा ना संभाल लेगी। खाना खाइए आप। दानिश बेटा अब तो बड़ा अरसा लगा दिया आने में। आंटी आपको पता है नई मुलाजमत है इसलिए। हाँ ये तो है, नई नई मुलाजमत हो तो काम को वक्त देना पड़ता है। आंटी मैं नायला आप ही को लेने आया हूँ। हाँ मुझे अलीम ने बताया था कि नायला को दो चार दिन के लिए मायके जाना है। मेरे ख्याल में तैयार हो रही होगी, तुम्हारे लिए चाय बना। नहीं नहीं आंटी मैं चाय नहीं पीऊंगा। तो कुछ और खाने को ले आ। नहीं नहीं आंटी कुछ भी नहीं, आप तकलीफ ना करें। आंटी जिमल कहाँ है, नजर नहीं आ रही।
जिमल तो यूनिवर्सिटी है बेटा। अच्छा, यूजुअली कब तक आती हैं? यही कभी 5 बजे, कभी 6 बजे। चलो दानिश, चलते हैं। अरे रुको नायला, तुम लोग खाना तो खा के जाओ। नहीं, अम्मी ने कोफ्ते बनाए हैं तो मैं वहीं जाके खाऊंगी। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी खुशी। ठीक है आंटी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी तेरा। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। अरे मेरी दानिया को तो पाया प्यार दिला दे। आई सद के जाओ दादू से। ओके, खैर से जाओ, खैर से जाओ। मुझे तो लगा हम इंटीरियर डेकोरेटर के पास जा रहे हैं। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? इंटीरियर डेकोरेटर के पास भी चले जाएंगे। मैंने कहा पहले यहाँ पे आ जाते हैं। बैठो। इतनी पुरसुकून है ना ये जगह। ऐसे लगता है जिंदगी रुक सी गई है। इसीलिए मैं तुम्हें यहां लेके आया हूं। जिंदगी किसी के आने या जाने से रुकती नहीं है। तुम काफी दिनों से अदील की वजह से परेशान थी। कुछ दिनों में अदील दुबई सेटल हो जाएगा, चीजें सब नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अपना हर मसला, हर परेशानी इस भाई से डिस्कस करोगी। पाम, मेरे पास अल्फाज नहीं है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। तुमने भाई होने का फर्ज सगे भाई से भी ज्यादा निभाया है। कितनी बार मना किया है निमरा, ये सगे और सतेले की बात मत किया करो। मुझे अपनी बहन से बढ़कर कुछ अजीज नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें रूम में क्या क्या चाहिए? अब रूम की डेकोरेशन, हम जा तो रहे हैं इंटीरियर डिजाइनर के पास, तो वहीं जाके देख लेंगे। यह मौसम कितना अच्छा है। कितनी पुरसुकून है ये जगह। वैसे मुझे तो बहुत भूख लग रही है, तुम्हें नहीं लग रही? तुम कुछ भी ऑर्डर कर सकती हो। ओके, एक्सक्यूज मी। हाय मॉम। हाय बेटा, छोड़ आई अदील को? यस मॉम। होम डेकोर के पास चक्कर लगा कर आई? नहीं मॉम। चलो कोई बात नहीं, शाम को चली जाना। नो मॉम, मेरा कुछ और प्लान है। क्या? एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि अभी तो फहम ने इतना खर्चा किया है अदील को बाहर भेजने के लिए, और फिर ये छोटे मोटे रूम डेकोर के 10-20 लाख वाला खर्चा, आई थिंक फहम पे अभी इतना बर्डन नहीं डालना चाहिए। वेरी स्मार्ट, just like me. निम्रा, छोड़ आई दिल भाई को? हाँ छोड़ आई। तुम्हारा सामान कहाँ है? मॉम वो मैंने गेस्ट रूम में रखवा दिया। गेस्ट रूम में क्यों? इट्स ओके मॉम, आई विल मैनेज। तुम गेस्ट रूम में क्यों शिफ्ट हो रही हो? एक काम करो, मेरा रूम है ना, वहां शिफ्ट हो जाओ और मैं गेस्ट रूम चली जाऊंगी। देखो सबा, गेस्ट रूम में रहने से कोई गेस्ट तो नहीं बन जाता ना, और वैसे भी ये तो पूरा घर ही मेरा है, जहाँ चाहूँ रह सकती हूँ। मेहमान तो तुम हो ना इस घर में, क्यों मॉम? बिल्कुल।
अच्छा खाला, मैं एक मिनट में आती हूँ। बैठो ना, मैंने जूस मंगवाया, पी लो। नहीं नहीं, मुझे काम है ज़रूरी। श्योर। ये इसे क्या आग लगी मेरे आने से मॉम? तुम इसकी फिक्र मत करो, ये तो छोटी सी चिड़िया है। ऐसी कई चिड़ियों को मैं कैद करना अच्छी तरह से जानती हूँ। इसे कब उड़ाना है ये तो मुझ पर छोड़ दो। अच्छा ये बताओ कि फाहम को हमारे प्लान की भिनक तो नहीं हो गई? कम ऑन मॉम, आपकी बेटी हूँ मैं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? फाहम ने तो बहुत दावे किए हैं अच्छे भाई होने के, और फिर अभी तो सिर्फ मैं कमरे में दाखिल हुई हूँ। आके आगे देखिए कि किस तरह इस पूरे घर पे काबिज होती हूँ। आई लाइक इट, बिल्कुल माँ पर गई हो। और मॉम फिर सबा के बारे में क्या सोचा आपने? I'll do something about her. तुम्हारा ऐसा करो कि तुम आराम कर लो। इट्स ओके मॉम, अभी जाके काफी चीजें भी मैनेज करनी है। मैंने कहा ना, जूस पियो और जाके नैप ले लो, तुम्हारा सामान सेट हो जाएगा। ऑलराइट मॉम, थैंक यू। मैं जूस तुम्हें कमरे में भिजवा देती हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके मॉम, सी यू। फिरदौस। जी बेगम साहबा। निम्रा बीबी के लिए जूस उनके कमरे में भिजवा दो। जी अच्छा बेगम साहबा। गिलानी साहब, इनसे मिलिए, ये हैं फहाम, यूनिवर्सिटी के 4 साल पुराने टॉपर, और अब सक्सेसफुली अपना बिजनेस भी रन कर रहे हैं। ओहो, ये अदील भाई को भी अभी ही बाहर जाना था। निम्रा तो खाला के बहुत करीब है, ये ना हो निम्रा मेरे और फहम के रिश्ते में कोई दरार डाले। मुझे अब यहाँ बहुत मोहतात होकर चलना पड़ेगा, इतना मोहतात कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। सबा। जी खाला। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं खाला। साफ नजर आ रहा है काफी गहरी सोच में हो। अच्छा खाला, आप फहाम से कब बात करेंगी? कर लूंगी मौका देखते ही। अच्छा वो निम्रा कह रही थी कि उसका जो ब्लू बैग है ना, उसको अनपैक करके उसकी वार्डरोब में लगा देना। उसका जो रेड बैग है वो इस्तरी करने वाले हैं, वो मैं फिर दोस्त से कह देती हूँ। जी, वैसे निम्रा खुद कहाँ पर है? बेटा वो थक गई है, नैप ले रही है। ओहो, बातों बातों में देखो मैं बताना ही भूल गई तुम्हें, शाम को तैयार हो जाना, फहम तुम्हें और निम्रा को डिनर करवाने लेकर जाएगा। अच्छा खाला, आप नहीं जाएंगी? नहीं, मेरी एक फ्रेंड आ रही है, सो आई विल स्टे हियर। वैसे खाला आप बहुत अच्छी हैं। तुम भी बहुत अच्छी हो। थैंक यू खाला। मैं तुम्हें अपनी बहन की नहीं सगी औलाद की तरह समझती हूँ। रात को अच्छे से तैयार हो जाना। ठीक है खाला। Thank you.
बेगम साहबा मैं आ जाऊं? आ जाओ। फहाम साहब और निमरा चले गए? जी बेगम साहबा चले गए। काफी रख दिया, तो जाओ यहां से। वो बेगम साहबा आपसे बात करनी थी। कहो। वो अब तो निमरा बीबी भी यहाँ आके रहने लगी है, अगर आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दें। फिरदौस, निमरा बीबी के तो कपड़े पहले भी इस्त्री होते थे यहाँ पर, उनका तो खाना भी यहीं से पक के जाता था, तो किस बात की तनख्वाह बढ़ा दूँ? सिर्फ उनके यहाँ आकर रहने की तनख्वाह बढ़ा दूँ? बेगम साहबा मेरा तो बंदा भी काम नहीं करता। तो तुम्हारे बंदे का ठेका मैंने नहीं लिया हुआ? देखें बेगम साहबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम एक काम करो, अभी दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ तुम यहाँ से। बेगम साहबा माफ कर दें, गलती हो गई है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जो नौकर मालिक को उठकर इस तरह की धमकियां दे, वो मालिक का वफादार कहाँ से हो सकता है? बेगम साहबा गलती हो गई है, माफ कर दें, माफ कर दे। शक्ल गुम करो अपनी। वाह जिमल, यू डिड अ ग्रेट जॉब। सर तो तुम्हारी तारीफें ही कर रहे थे क्लास में। ब्रिलियंट बच्चा, ग्रेट जॉब, अमेजिंग, क्या बात है तुम्हारी। फहाम ने मेरी मदद जो की है। तुमने बताया उसको? नहीं, सुबह से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं आज यूनिवर्सिटी आया भी है या नहीं आया। उफ, एक तो तुम दोनों ना एक दूसरे को टॉम एंड जेरी की तरह ढूंढते ही रहते हो। वैसे मैडम आपने मुझे ट्रीट देनी है। किस बात की? इतना जबरदस्त काम जो किया है। फहाम देगा ना तुम्हें ट्रीट। वैसे फहाम है कहाँ पे? सर जहूर ने उसे किसी काम से बुलाया है। मैं उसे ढूंढती हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन दिखानी है उसे। अच्छा जमील, मैं कैंटीन से होके आती हूँ, ठीक है? गिलानी साहब, इनसे मिलिए, ये हैं फहाम, यूनिवर्सिटी के 4 साल पुराने टॉपर और अब सक्सेसफुली अपना बिजनेस भी रन कर रहे हैं। तो सर मॉम, वैसे ये सबा कहाँ है? जिम गई है। मैं ये सोच रही थी कि सबा बहुत चालाक लड़की है, इससे बच के रहिएगा आप। निमरा, मेरे पास पहले ही बहुत मसाइल है, मुझे और मसाइल में मत डालो। अल्लाह अल्लाह करके तो अतील जैसी टेंशन से मुझे छुटकारा हासिल हुआ है। पता है 15 लाख रुपए लगे उसे दुबई बचवाने में। सीरियसली? यस। अभी तुम्हारा रूम डेकोर किया है मैंने, और अभी तो तुम्हारी नई गाड़ी के लिए भी फहम से बात करनी है मुझे। एक सेकंड मॉम, मैं चाह रही थी कि अभी थोड़ा रुक जाए। हम इतने खर्चे करेंगे तो कहीं फहम इन सब चीजों से घबरा ना जाए। फहाम अल्लाह बख्शी मरहूम अपने वालिद पर गया है, जहाँ उसे पैसा खर्च करना होता है वहाँ वो कर ही देता है। मेरा बेटा बड़े दिल का मालिक है, पूरे घर की जिम्मेदारी वैसे मेरे ऊपर है, मैं मैनेज कर रही हूँ। इन छोटे छोटे मसाइल के लिए मैं फहाम को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तुम चाय क्यों नहीं पी रही हो? क्योंकि आपकी लाडली फिरदौस से मैंने 1 घंटा पहले कहा था मुझे फ्रेश जूस ला दो, अभी तक नहीं आई वो। फिरदौस, फिरदौस। जी आई बेगम साहबा। निमरा बाजी ने कितनी देर से जूस का कहा हुआ है, अभी तक क्यों नहीं आया?
वो जी ड्राइवर जूस का सामान लेने गया है, अभी तक आया नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें पहले से मैनेज नहीं कर सकती है। पता है ना निमरा बाजी ने आना था, जब निमरा बाजी हो तो जो वो कहेंगी वैसा ही होगा। ओके जी, जल्दी से चेक करो ड्राइवर कहां तक पहुंचा है, और हाँ सभा के लिए फ्रूट योगर्ट भी बना देना। जी अच्छा। अब इस बेगम के ही मिसाइल सुन लो, कल तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रही थी और साथ में जाने की धमकी भी दे रही थी। सीरियसली? और मैंने ज्यादा डांटा तो फौरन से भीगी बिल्ली बन गई। मैं तो कहती हूँ मॉम इसे किक आउट ही कर दें आप। इट्स ओके, आई विल मैनेज इट। यू आर द ग्रेट मॉम, आप सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। मान गई ना फिर तुम अपनी मॉम को। वैसे ये सभा आती कब तक है मॉम? आने वाली होगी। वैसे मॉम आप ना अपने लिए कोई नई मुलाजमा ढूंढ लें। छोड़ो इन बातों को। हाँ, सभा ने मुझसे कहा है कुछ कि फहम को बता दें। उजैर से रिश्ते से इनकार की बात? नहीं, ये कि वो फहम को पसंद करती है। देखा मॉम, मैंने कहा था ना आपसे ये बहुत चालाक लड़की है, बच के रहें आप इससे। अच्छा ही होता कि उजैर से ना इसकी शादी हो जाती, हमारी तो जान छूट जाती कम से कम। डोंट वरी, तुम्हारी माँ सब हैंडल कर लेगी। यू आर सो ग्रेट। ज़िमल, ज़िमल मेरी बात सुनो। क्या बात सुनूं? तुम इस यूनिवर्सिटी के 4 साल पुराने स्टूडेंट थे और एक कामयाब बिजनेस रन कर रहे हो, क्या जरूरत है मुझसे झूठ बोलने की? मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी फहम। अच्छा मुझे एक मौका तो दो। फहम छोड़ो मेरा हाथ। वैसे अम्मी देखा आपने क्या, जरा सी मैंने जिम्मल के रिश्ते का दिलासा क्या दिया दानिश को, सीधा दफ्तर जाने लगा है ये लड़का। वो सियाने ठीक कहते हैं कि जो घंटे हाथों से खुल जाए ना उन्हें दांतों से खोलने की क्या जरूरत। और वैसे भी नायला तू तो दानिश को जानती है, कितना जज्बाती और बातूनी है। तेरे अब्बा भी उसके लिए बहुत परेशान है। वैसे अम्मी मेरी सास भी ना पूरी जादूगरनी है, देखा नहीं कैसे दानिश के आगे पीछे घूम रही थी। ओ आजकल की माओं के ये अंदाज हैं, जहां कहीं अच्छा लड़का देखा ना हो रन उस प्रॉपर्टी पे ना कब्जा करने का सोचना शुरू कर दिया। वैसे अम्मी दानिश भी ना बड़ा बेवकूफ है। क्यों? 100 बेवकूफ मरे होंगे तब जाके ये पैदा हुआ है। देखा नहीं उस जिम्मल को देखते ही दीवाना हो जाता है, अंधों की तरह मोहब्बत करता उसको, उसके पास से उठने का नाम नहीं ले रहा था ये लड़का। वैसे नायला एक बात है, मुझे तो लगता है कि इन माँ बेटी ने ना जरूर मेरे बेटे पे कोई जादू टोना किया है। वैसे मेरा बेटा लट्टू बना नहीं फिरता उनके आगे पीछे। वैसे आपस की बात है, तेरी सास और नंद किसी आमल वामल के पास तो नहीं जाती? अरे नहीं अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो नहीं देखा, पारी घर में ही बैठी रहती है, मेरी पीठ पीछे क्या करती है मुझे कोई खबर नहीं है। आप ना संजीदगी से दानिश के लिए कोई लड़की ढूंढे। अच्छा अच्छा करती हूँ कुछ, वरना आपका ये इकलौता बेटा ना आपके हाथ से गया। अरे कैसी बातें कर रही है तू, छोड़ ये बातें, ये खा। खाती हूँ, और वो रिश्ते वाली से कहें कोई पढ़ी लिखी अच्छी लड़की ढूंढे दानिश के लिए। अरे कर लूंगी बात, सुन लिया है ना, तू ये खा जो तेरा काम है। पकड़ा है मुझे। ए तू तो ऐसे हुक्म चला रही है जैसे मैं तेरी मां नहीं सास हूं, उठा ले खुद। बैठो इधर। मुझे नहीं बैठना। मैंने कहा बैठो। मेरे सवाल
अभी भी वही है फहम। तुम एक बार जितने सवाल करने कर लो, मैं तुम्हारे जवाब देने को तैयार हूं। देखो जिमल, सर जही ने जो भी कहा है वो सब सच है। मैंने 4 साल पहले इस यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री कर ली थी। उसके बाद मैं यूके चला गया था एक बिजनेस कोर्स के लिए। एंड मैं अपने डैड के साथ 7 साल से बिजनेस में। उनके इंतकाल के बाद सारा बिजनेस मैंने संभाला। और मेरी हर उस बात में सदाकत है जो मैं तुमसे भी कही। लेकिन फहम, मुझे ये जानना है कि तुमने दोबारा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया क्यों? आखिर क्या वजह थी? तुम ही समझोगे। मुझे समझना है, मुझे बताओ। तुम्हारा वो जो दोस्त है उजैर, इसका मतलब वो भी तुम्हारे इस ड्रामे में तुम्हारे साथ होगा। उजैर को बीच में मत लाओ, ये ड्रामा नहीं है, मोहब्बत है। मैंने ये जो सब कुछ किया है तुम्हारी मोहब्बत में किया। आज तुम इस मोहब्बत को समझ पाओ। अम्मी आप देख लेना, देख लेना आप, अगर मेरी शादी जिमल से ना हुई तो मैं नायला अभी को नहीं छोड़ूंगा। दानिश, नायला ने तो सिर्फ मजाक किया है और तुम इतने संजीदा हो गए। मुझे तेरी बस तेरी यार एक तो ये लड़का भी ना, रोज शर्ट के बटन इसके टूटे आते, यानी क्या करता। अरे जिमल, सलाम अलैकुम। ओए मेरे बच्चा, वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, आज इतनी जल्दी आ गई। वैसे अच्छा ही किया कि तू जल्दी आ गई। पता है अलीम भी शायान को ले आया है और शायान पूरे घर में फुफो फुफो करता फिर रहा है। बस अम्मी वो आज क्लास नहीं थी ना, इसलिए जल्दी आ गई। अच्छा, खाना लगाओ। नहीं नहीं, बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में अम्मी। ओए मैं सब के जाऊँ, चल मैं चाय बना देती हूँ तेरे लिए। नहीं नहीं आप बैठे, मैं खुद बना लेती हूँ। क्या हो गया? मैं बनाती हूँ ना चाय अपने बेटे के लिए। चल मैं लाती हूँ। मीना बच्चा अभी लाए। गिलानी साहब, इनसे मिलिए, ये हैं फहम, यूनिवर्सिटी के 4 साल पुराने टॉपर और अब सक्सेसफुली अपना बिजनेस भी रन कर रहे हैं। सर जही ने जो भी कहा है सब सच है। तुम्हारा वो जो दोस्त है उजैर, इसका मतलब वो भी तुम्हारे इस ड्रामे में तुम्हारे साथ होगा। उजैर को बीच में मत लाओ, ये ड्रामा नहीं है, मोहब्बत है। मैंने ये जो सब कुछ किया है तुम्हारी मोहब्बत में किया। गर्मा गर्म चाय, शाबाश, चाय पी ले। जिमल, जिमल। जी जी अम्मी। मैंने तो समझा तू बैठी बैठी सो गई। नहीं बस वो वैसे ही सर में दर्द हो रहा था। अच्छा चल गर्मा गर्म चाय पी ले और फिर जाकर आराम कर ले। मैं तेरा कमरा देख देती हूँ, ठीक है? चल जल्दी से पी ले गर्मा गर्म चाय।
नायला, तुम्हें मैंने इसीलिए बुलवाया था, तुम्हारे अब्बू हैदराबाद गए हुए हैं और तुम मोबाइल पे लगी हुई हो। ओह मम्मी, मुझे इतनी सख्त भूख लग रही है। बेटा, दानिश आ जाए ना तो इकट्ठे खाने खाते हैं। वैसे अम्मी तौबा ही है, बेटा बेटा ही होता है। मतलब यहाँ मेरी भूख से जान निकल रही है और आपके हलक से नवाला नीचे नहीं जाएगा जब तक दानिश नहीं आ जाता। ओहो नायला, कॉल की है ना उसे, रास्ते में है। अच्छा अम्मी मुझे बताएं, वो आपकी रिश्ते वाली खाला कुलसुम से बात हुई? हुई थी, कल सुबह आएगी तस्वीरें लेके। अम्मी खुदा का वास्ता उसे कहे कोई ढंग की लड़कियों की तस्वीरें लेके आए। कह दिए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गया मेरा बेटा? शुक्र है दानिश तुम आ गए, भूख से मेरी जान निकली जा रही थी। चले अम्मी अब खाना लगाएं। खाना लगाऊं बेटा? अम्मी वो मैं। हाँ हाँ, अब तो ये जनाब अपनी शादी पे एक ही बार खाना खाएंगे। अम्मी नहीं खा रहा मैं कुछ भी, इन्हीं को खिला दे। दानिश, देख रही हैं आप अम्मी, देखा ना आपने किस तरह बात करके गया ये मुझसे। तुम चुप करो, मैं देखती हूँ। दानिश, क्या हुआ तुम्हें और तुम वहां से कैसे चले आए? अम्मी देखा ना आपने, देखा नायला भी किस तरह से तंजिया लहजे में मुझसे बात कर रही थी। वो तुम्हारी बड़ी बहन है और तुमने किस तरीके से उससे बात की? हाँ अम्मी, आप देख लेना, आप अगर मेरी शादी जिमल से ना हुई तो मैं नायला भी को नहीं छोड़ूंगा। दानिश, नायला ने तो सिर्फ मजाक किया है और तुम इतने संजीदा हो गए? मुझे समझ नहीं आती तुम्हें एकदम से इतना गुस्सा क्यों आ जाता है। अम्मी मैं कुछ नहीं जानता, आप उनको अभी और इसी वक्त उनके घर भेज दें। क्या होश में तो हो तुम, अपनी सकी बहन के हवाले से तुम इस तरह की बात कर रहे हो? हाँ, जो तुम्हारे और जिमल के रिश्ते को लेके इतनी फिक्रमंद है कि बिना किसी रुकावट के ये काम हो जाए, शर्म नहीं आती तुम्हें? और हाँ, ये बदतमीजियां छोड़ो और तमीज का मुजाहिरा किया करो, समझे? और हाँ, एक बात और मेरी कान खोल के सुन लो तुम, वो अभी अपने बाप के घर आई है, जिस दिन आई ना तुम्हारे घर उस दिन उसे कहना कि जाओ अपने घर। और अम्मी बस करें और जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें। अकेला? एक दिन तुम अकेले जरूर रह जाओगे अगर तुमने अपनी ये हरकतें चेंज ना की तो। सुना तुमने? जा रही हूं मैं। जी जी बजी साहब। हाँ जी, वो सिग्नेचर कर दिए थे मैंने, आप बेफिक्र हो जाए। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, एक मिनट। जी अम्मी। शयान सो गया? हाँ, वो मेरे कमरे में ही सो गया और खाना खिला के सुलाया उसे मैंने। बहुत ही जिद्दी है अम्मी, जिद कर रहा था कि दादो के पास जाना। नाहिला ने मुझे फोन करके कहा कि कम से कम इसको तो लेके जाए। शैतान भी बहुत है। और आपने खाना खा लिया? हाँ, शायान खाना इस तरह खा नहीं रहा था, फिर मुझे भी उसी के साथ खाना पड़ा। अम्मी वो जिमल नजर नहीं आ रही, कहीं गई है क्या? वो यूनिवर्सिटी से आई ना तो उसके सर में बहुत दर्द था, चाय बनाकर दी उसे मैंने, दवाई का भी पूछा था, अब पता नहीं चाय उसने पी है या नहीं।
खैर अभी तो सो गई होगी। अम्मी वो आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो, क्या बात? यही कि जिम्मल के लिए कोई अच्छा से रिश्ता देखें। अब मैं तो पहले ही चाह रही थी बेटा कि जितनी जल्दी हो सके जिम्मल की शादी हो जाए, ये फर्ज भी अदा हो जाए। तुम्हें तो उस वक्त हमायत की थी उसकी, और फिर उसने यूनिवर्सिटी में दाखला ले लिया। अम्मी मैं तालीम के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, मैं तो चाहता हूं कि वो आगे पढ़े, लेकिन आपको तो पता है कि अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल है। और प्लीज आप देखें कहीं कोई अच्छा रिश्ता नजर आता है तो मुझे भी बताइएगा। मुझे नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी मैं? जी मैं। खाना खाओ, मैं बर्तन ठहर के ले जाऊंगी। आ जाओ। मॉम आपने बुलाया था? हाँ बैठो, तुमसे जरूरी बात करनी है मुझे। चेक करूं फहम क्या कर रहा है। ओके मॉम, मैं करती हूँ। निम्रा। हेलो फहम, तुमने खाना खा लिया? नहीं निम्रा, मुझे भूख नहीं है। मैं रूम में भिजवा दूं तुम्हारे? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। चलो ठीक है, ऐसा करो कि मॉम के रूम में ही आ जाओ, मैं भी वहीं बैठी हूँ, उन्होंने कुछ जरूरी बात करनी है। ओके मैं आता हूँ। ओके आ जाओ बेटा फहम। फहम बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी मॉम। बल्कि मैंने निम्रा को भी इसलिए बुलाया था कि मैं तुम दोनों के सामने ये बात कह सकूं। सबा ने इनकार कर दिया है। एक सेकंड, हुजैर से शादी करने पर? मगर हुजैर तो अच्छा लड़का है। मॉम ये आखिर सबा की प्रॉब्लम क्या है? पहले भी वो दो रिश्तों से इनकार कर चुकी है, आप उससे बात तो करें, आखिर वो चाहती क्या है? क्या कह सकती हूँ बेटा, मुझे तो उसने चंद रोज पहले ही बताया। मैं तो सिर्फ अदील के जाने का वेट कर रही थी ताकि फिर मैं फहम से बात कर सकूं। क्या सबा ने कोई रीजन दी? वो तो उजैर की अम्मी की आज कॉल आई, मैं यही सोच रही थी कि मैं उनको क्या कहूं। फहम तुम अपने तरीके से मना कर दो तो।